Hi students, so RTPs for May 2021 are being released. They are in front of you now. So, we are going to be starting away to solve the RTPs of May 2021. Completely, we will be solving. Now, there are many things in the module which are actually not there now based upon this RTP. So, it will be quite difficult, like you know, for many people.

Case studies are a bigger part where there could be multiple problems that the company is facing and you might have to be addressing all of them. Okay, so let's start your question number one. Uh, this is on Porter's five forces model. Theke. Porter's five forces model, like you know, how to know about the industry. दैट वी ऑल आर फंक्शनिंग इन सो शायद ये वाला चीज़ आप लोग को याद होगा दट वी ऑल हैव डन दिस थिंग बार्गेनिंग पार ऑफ द बायर्स बार्गेनिंग पार ऑफ द सप्लायर्स वो चीज़ों पर ऐसे प्राइसिस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं थ्रेट ऑफ द सब्सीट्यूट कॉम्पिटिशन थ्रेट ऑफ द सब्सीट्यूट प्रोडक्ट्स इट इज देर फिर उसके बाद द एंट्री एंड द एक्ट बैरियर्स आर देर अपार्ट फ्राम दैट इन दिस केस यहाँ पे कॉम्पिटिशन uh, का इंटेंसिटी कितना है ऑल दो थिंग्स विल एक्चुअली डिटर्मिन की इंडस्ट्री तुम्हारा कैसा चलने वाला है ओके okay? तो ये वाला क्वेश्चन उस बारे में है मोर अबाउट दैट वेन टू द आंसर सेफ एंडवाइजरीशियल प्लानिंग एंड रिस्क एडवाइजरी फॉर्म ऑफ द कंट्री विद नेशन वाइड प्रेजेंस ठीक है तो कोई एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क एडवाइजरी फॉर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर ठीक है स्वेल इज एंगेज इन सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बी इट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो वो लोग दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट वगैरह वो बेचते हैं वन आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ओके एंड अदर आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वुड बी से म्यूचुअल फंड वो भी बेचते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लाइफ इंश्योरेंस ओनली तो इंश्योरेंस के ना सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही करवाते हैं ठीक है आगे Financial advisory business of SwAL is doing good. Okay. And contributing to ye underline karna half of the gross revenue of the group and two-third of the group's bottom line. Chalo, hai. Achha, just for your reference, for those people who don't know, the revenue of a company is called as top line. Whereas net profit of a company is usually called as bottom line. Okay. So ये फाइनेंशियली फाइनेंशियल एडवाइजरी वाला जो बिजनेस है ना ओके इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाफ ऑफ द टॉप लाइन ओके ठीक है एंड टू थर्ड ऑफ द ओवरऑल ग्रुप बॉटम लाइन ओके तो पूरी कंपनी का जो टू थर्ड प्रॉफिट आता है ना वो इसी से आता है बट इंश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन ठीक है अच्छा एक सेकेंड अभी बोलो क्या बोलते हैं आधा रेवेन्यू जो है वो फाइनेंशियल बिजनेस से आता है एंड टू थर्ड ऑफ द प्रॉफिट भी वहीं से आता है मतलब जो इंश्योरेंस बिजनेस है ना वहां से रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट का जो टॉप लाइन है वो आता होगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट है ओके okay, वो भी इंश्योरेंस बिजनेस से आता होगा इंडिपेंडेंट एंड एम एडवाइस टू क्लाइंस इज अक सेलिंग पॉइंट ऑफ स्वेल वो लोग क्या बोलता है कि ना हमारा एक यूएसपी क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट और इनपार्शियल एडवाइस देते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम लोग क्लाइंट को नहीं ठगेंगे वी विल गिव हिम द बेस्ट एडवाइस एज पर मिस्टर कौशल जयसवाल अराउंड टू ओके वेन लाइफ एश्योरेंस बिजनेस वेन प्राइवेट ओके तो 20 साल पुरानी बात है दो डेकेड पुरानी बात है इस बंदे ने एस्टैब्लिश किया था एट देन इट वॉज वन डिविजन बिजनेस दैट इज अश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस मिस्टर कौशल जयसवाल इज अ डायनेमिक लीडर एंड प्रेजेंटली एज अ सी ओ अपार्ट फ्रॉम बींग द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ओके तो ये वाला जो बंदा है ये वाला जो बंदा है ओके okay, जब इसने स्टार्ट किया था सिर्फ वो लाइफ एश्योरेंस वाला ही बिजनेस था ठीक है याद रखना ये लोग लाइफ एश्योरेंस खुद नहीं करते एग्जाम्पल इन लोग के पास से वो एल की पॉलिसी का स्कीम्स होएगा फिर उसके बाद आईसीआईसीआई का होगा एच डी एफ सी अर्गो का होगा एसेट्रा एसेट्रा ठीक है सो बेसिकली ब्रोकरेज बिजनेस ओके ये कंपनी का सीईओ भी है और मेजर शेयर होल्डर भी है स्वैल इज वाइडली द मार्केट फॉर टू डिस्टिंक्ट फीचर्स वॉट बींग प्रेजेंट वाइड अक्रॉस द नेशन इन फॉर्म ऑफ सब एजेंसी ऑफिस इक्विप विथ प्रोफेशनली ट्रेन सेल्स स्टाफ हेडेड बाई फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर Where customer can take advice and discuss opinion prior to investing, buying any insurance or financial product. चलो ठीक है तो अपना एक USP जो है स्वैल का वो क्या है अपना नेशन वाइड प्रेजेंस बहुत तगड़ा है ठीक है वी आर देयर ऑलमोस्ट everywhere। और हम लोग के मतलब ये जो ऑफिस हैं हर जगह पर देर आर प्रोफेशनली ट्रेनड पीपल डेड बाई अ फाइनेंशियल प्लानर सपोज लाइक यू नो आप लोग को पैसे की एडवाइस की जरूरत है कि मेरे को सपोज बीस साल के बाद रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए तो आज मैं क्या क्या करूं किधर किधर इन्वेस्टमेंट करूं ऑल दो स्वैल हैज सब एजेंसी ऑफिस इन फाइव एटी सिटीज टाउन एंड ब्लॉक्स लोकेशन आर सेमी कमर्शियल इन नेचर बट प्रोमेंट ओके स्वैल है थर्टी ईयर्स लीज in sub agency offices on lease in order to reduce the lease cost and bring stability, तो वो का जो भी uh, offices है ना दोनों याद रखना इतने साल के लिए अगर आप लोग कोई भी चीज lease के ऊपर लोगे ना तो एक एडवांटेज जो उन लोगों ने भी लिखा है इनफैक्ट दो एडवांटेज एक तो अपना कॉज कम हो जाएगा, be able to negotiate बेटर दूसरा बिजनेस के अंदर एक स्टेबिलिटी भी आता है बिकॉज यूल बी देयर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम लेकिन ऑब्वियसली एक रिस्क भी होता है कल को अगर तुम्हारा ये वाला बिजनेस ठीक नहीं चला यू वॉन्ट टू शट डाउन सम लोकेशन तो अपने पास शायद ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने थर्टी ईयर्स का लीज के ऊपर लिया हुआ है सेकेंड स्वेल सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल थर्ड पार्टीज थर्ड पार्टी मतलब योर एल आई सी आईसीआईसी एच डी एफ सी आर गो हेंस प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट्स टू चूज फ्रॉम इन टू थाउजेंड एंड टेन इट्स Swal so, signed a 15 year agency agreement with 23 life insurance companies. recognizing. them. So, tagline is also depicting that the same. We are ethically committed to understand and deliver your needs. Swal so, believes in organic growth and listed on stock market three years back to float additional capital to fund more sub agency offices. <coughs> वो लोग क्या बोलता है कि वो लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर बिलीव करता है ऑर्गेनिक मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आराम आराम से होगा ओके इट्स नॉट लाइक से और समथिंग बहुत ज्यादा पैसा रेस किया सडनली एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाओ नहीं स्लो एंड स्टडी डूइंग और तीन साल पहले उन लोगों ने स्टॉक मार्केट से यहां पर पैसा भी उठाया ताकि और सब एजेंसी ऑफिस हो सके 22 out of 23 life assurance companies are private and register themselves with the regulators between 2000 to 2009 for a period of 25 years. so 23 companies, ka log policies can 23 22 jo hai, wo private companies. Hai. considering the default by few insurance firms and increasing customer complaints, regulator of insurance business in country टाइटन द रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड हार्ड एन द नॉर्म्स वो लोग क्या बोलता है कि ना कई फॉर्म्स वगैरह ने डिफॉल्ट किया मतलब पॉलिसी मच्योर जो है वो हुआ रहेगा लेकिन पैसा नहीं दिया टू द कस्टमर तो अभी जो रेगुलेटर है लाइक यू नो यू हैव इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक रेगुलेटर है इन इंडिया आई आर डी आई थिंक ओके इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवेलपमेंट अथॉरिटी आई थिंक सो अभी इन लोगों ने टाइटन कर दिया है कि ना न्यू कंपनीज वगैरह ओके उन लोगों को बहुत कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है टू गेट सच काइंड ऑफ लाइसेंस ठीक है अगर टिपिकली ईच ऑफ द सब एजेंसी ऑफिस कंप्राइजेस ऑफ थ्री रेगुलर एंड वन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ठीक है तो हर सब एजेंसी ऑफिस के अंदर तीन रेगुलर लोग होते हैं और एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉ मतलब उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे जरूरत पड़ी तो ठीक है वन बींग फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर टू सेल्स एंड रिलेशनशिप ऑफिसर एंड वन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इन रोल ऑफ सपोर्ट स्टाफ सपोर्टेड विद मिसिनियस क्लैरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये जो तीन रेगुलर लोग हैं ना इसमें से एक जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर है या प्लानर है टू सेल्स एंड रिलेशनशिप ऑफिसर है ठीक है The on-roll number of employees engaged in assurance brokerage business has increased from 1564 to 720 5 years ago. So on-roll number of employees engaged in assurance brokerage business had increased from has increased from 720 to 1564 5 years ago. So 720 belita Satsubi slog. अभी 1564 के आसपास है अप टू थ्री इयर्स अगो इट वाज 845 फोर्टी फाइव बट सिंस एक्सपेंशन इट इज अराउंड 1500 हंड्रेड वो लोग क्या बोलते हैं आज से तीन साल पहले भी ना 845 फोर्टी फाइव भी थे लेकिन अभी 1564 तक पहुंच गए ओके okay. अब क्योंकि तीन साल पहले जरा याद करो हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा उठाया था ना उन लोगों ने वही वाला चीज लिया यार ओके सो थ्री इस अगो हम लोगों ने फंड उठाए थे इन दिस केस टू एक्सपैंड बिजनेस तो अपने बहुत सारे एंप्लॉज जो है ना वो उसी बिजनेस के अंदर है काफी ज्यादा मार्केट ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ ओके सिंस वेल कम इन्स बिजनेस ठीक है ऑब्वियसली एवरीथिंग चेंजेस इन दिस वर्ल्ड ईच ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज नाउ हैज हैजर ओन नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस टू सेल देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट डायरेक्टली दैट टू एट प्रोमेंट एट मोर प्रोमिनेंट लोकेशन वो लोग क्या बोलते हैं मार्केट सभी बदल चुका है जो इंश्योरेंस कंपनीज थी लाइक एल आई सी लाइक आईसीआईसी अभी वो लोगों ने खुद के अपने बना लिए हैं एट ऑल ऑफ द प्रोमेंट लोकेशन स्वैल काउंटर टू दिस स्टेप बाई हाईलाइटिंग इट्स इंडिपेंडेंस एंड इम पार्शल ऑल्सो स्वैल मैनेज टू रिटेन द रेवन्यू एट द सेम लेवल बट दिस रिजल्टेड इन लो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सब एजेंसी ऑफिस बिजनेस नाउ दीज इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट ऑथराइजिंग एनी न्यू एजेंट्स वो लोग क्या बोलता है कि ना ये कंपनीज ने अपने यहां पर वगैरह तो स्टेब्लिश कर लिया एट मोर प्रोमेंट लोकेशन टू अस अपना तो वही रहा लेकिन है ना, ये और कोई न्यू एजेंट्स को भी ऑथराइज नहीं कर रहा हम लोग ऑथराइज है लेकिन और यहां पे न्यू ऑथराइज वगैरह वो नहीं कर रहा है ठीक है आगे बींग इन द सर्विस इंडस्ट्री एंड फर्दर इन ऑर्डर टू इंश्योर वाइडर मार्केट रीच टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन सब एजेंसी ऑफिस बिजनेस ठीक है स्वैल है कि अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट भी कमाने के लिए क्योंकि अपना प्रॉफिट कम हो रहा है खुद ब खुद लिखा हम लोग एक अपना ई e प्लेटफॉर्म भी बनाया ई प्लेटफॉर्म मीन समथिंग लाइक सेबसाइट और दो पर्टिकुलर थिंग्स पॉलिसी एट योर क्लिक टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट विथ टोटल स्टाफ ऑफ फिफ्टी प्रोफेशनल एज ए सेपरेट डिविजन अंडर द इंश्योरेंसिंग बिजनेस फ्रॉम सब एजेंसी प्लेटफॉर्म डिविजनिंग ऑफिस बिजनेसलीस्टम था ना ब्रिक एंड मोटर मतलब जो फिजिकल दुकानें होती है यहां पर जो फिजिकल ऑफिस था जहां पे कस्टमर्स आते हैं एडवाइस लेते हैं वो वाला बिजनेस दिक्कत के अंदर है ओके okay. वो वाले बिजनेस की थोड़ी सी वॉट लगी हुई है आगे सपोर्टेड बाई रेवेन्यू फिगर्स गिवन बिलो इन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स एनलिस रीच टू द कंक्लूजन दैट ग्रोथ इन द ब्रोकिंग बिजनेस इज गोइंग डाउन बोथ फॉर द स्वेल एंड इंडस्ट्री ओवरऑल ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखने का है ठीक है आगे मार्केट साइज या ईयर 2019 एक सेकंड ना एक सेकेंड हा चलो तो टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी चलो ठीक है तो पूरी जो मार्केट साइज थी ना इन थाउजेंड ऑफ करोर्स वन नाइन सिक्स जीरो थाउजेंड करोर्स की थी उसके अपना शेयर टू एटी था फिर उसके बाद टू नाइनटी एट टू थाउजेंड एंड फोर फिर उसके बाद थ्री वन टू टू वन टू टू थ्री ट्वेंटी टू वन नाइन एट थ्री ट्वेंटी सिक्स टू टू फोर जीरो तो ऑनेस्टली मार्केट साइज थोड़ा बहुत बढ़ रहा है बट नथिंग ग्रेट आई थिंक अपना प्रॉफिट भी बढ़ रहा है बट नथिंग टू ग्रेट एंड वन ऑफ द ड्राइवर्स आई थिंक ऑफ प्रॉफिट जो लोगों ने ऊपर वो लिखा हुआ है विल बी नथिंग बट दैट ई प्लेटफॉर्म ठीक है अच्छा ये जो है ना दिस इज द डेटा ऑफ द अश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस मतलब वो जो लाइफ इंश्योरेंस वाला था याद रखना इसके अंदर वो ई e प्लेटफॉर्म भी कवर अप हुआ रहेगा ऑब्वियसली ऑब्वियसली ठीक है रेवेन्यू अर्न बाई डिविजन ऑफ अश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ द क्लाइंट इज शोन इन द टेबल फॉर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर देखो जरा यहां पर प्रॉफिट 326 करोड़ का था उन लोगों ने वही वाला 326 करोड़ इधर दिखाया ओके okay, एक सेकेंड ये ना ये जो है ये प्रॉफिट नहीं है बेटा ये रेवेन्यू है ठीक है यहां पे देखो वो क्लियरली वो लिखा हुआ है ठीक है यहां पे भी शायद रेवेन्यू ही लिखा हुआ था मैंने बीच में शायद एक बार गलती से प्रॉफिट वगैरह वो बोल दिया होगा आ... चलो ठीक है चलो वो जो भी है तो स्वाल अश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस बेटा दिस इज नथिंग बट रेवेन्यू ठीक है टोटल मार्केट साइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली ये वाला चीज भी रेवेन्यू ही है मार्केट साइज मतलब टोटली totally मार्केट के अंदर कितने का काम होता है ओके okay. तो ये दोनों रेवेन्यू ही है टू टू फोर जीरो के अंदर से हमारा जो मार्केट शेयर है ओके okay, वो सेवन ट्वेंटी सिक्स का है ठीक है सॉरी थ्री ट्वेंटी सिक्स का है ये थ्री ट्वेंटी सिक्स का ना अभी वो लोग ब्रेकअप दे रहे हैं क्या ब्रेकअप दे रहे हैं रेवेन्यू अर्न ईच डिवीजन ऑफ अश्योरेंस द क्लाइंट इज शोन इन द टेबल बिलो अभी ध्यान से जरा देखना समथिंग्स यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑल्सो सब एजेंसी ऑफिस डिविजन और उसके बाद ई प्लेटफॉर्म एज ट्वेंटी टू थर्टी होता है आई थिंक ऑनलाइन पीपल प्रेफर लॉट तो यहां पे एट थाउजेंड करोड का जो रेवेन्यू है वो आ रहा है ई प्लेटफॉर्म से और टू थाउजेंड करोड का आ रहा है फ्रॉम योर एजेंसी बिजनेस बिकॉज आई थिंक दीज आर यंगर पीपल ओके प्रेफर ऑनलाइन स्ट्राफ्ट थर्टी टू फोर्टी के अंदर ये ट्वेंटी फाइव हो गया ये ट्वेंटी एट हो गया ऑब्वियसली जब भी एज बढ़ता रहेगा फोर्टी टू फिफ्टी पीपल प्रेफर लाइक यू नो दे माइट नॉट बी मच कंफर्टेबल विद द इंटरनेट ऑन एंड ऑल थिंग्स एंड मेनी पीपल स्टिल बिलीव कि जब तक देखा नहीं बिलीव क्या करूं ओके okay, ऑनलाइन सब फालतू होता है इन दिस वर्ल्ड तो थर्टी एट एट फिफ्टी टू सिक्सटी के ना वन सिक्सटी फोर एंड टू सिक्सटी के अंदर फिफ्टी वन थाउजेंड करोड कम्स ओनली फ्रॉम सब एजेंसी बिजनेस एंड जीरो कम्स फ्रॉम द ई प्लेटफॉर्म तो ओवरऑल 280 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रहा है सब एजेंसी ऑफिस से और 46 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो ई प्लेटफॉर्म से आ रहा है तो टोटल 326 मैंने एरो के रखा हुआ है ऑब्वियसली एरोज़ आपके आईसी के क्वेश्चन के अंदर तो नहीं थे सिंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सब एजेंसी बिजनेस इज डिक्लाइनिंग ठीक है हेंस द स्ट्रेटेजिक रिव्यू कमेटी or board of directors are concerned about companies declining profitability due to poor performance of sub-agency office and suggest that sub-agency office business should be sold off and swal well should reposition its assurance business as an online solution So, volocas uh, board is sub-agency office is a profit so some of the shareholders think like you know this business though and let's only concentrate on e-platform take एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एजेंसी ऑफिस डिविजन ओनली ओनली एजेंसी डिविजन ठीक है इसके अंदर वो ई प्लेटफॉर्म वाला जो सेल्स से है ना इंक्लूडेड नहीं है 2019-20 देखो ये 280 एटी करोड़ वॉज ओनली द प्रॉफिट फ्रॉम सब एजेंसी बिजनेस वो वाला इधर दिया हुआ है पिछले साल इतना था उसे पिछले साल इतना था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओके तो जरा देखो थर्टी वन थाउजेंड करोर प्रॉफिट कम हुआ इस साल बढ़ गया शेयर होल्डर्स इक्विटी वो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर ही है हाँ नाइनटीन ट्वेंटी थोड़ा सा बड़ा ठीक है दैट कूड आल्सो बी बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट्स वगैरह प्रॉफिट परसेंट लॉन्ग टर्म डेट शायद काफी बढ़ रहा है पहले फिफ्टी थाउजेंड करोड़ था फिर उसके बाद सिक्सटी फोर करोड़ सिक्सटी फोर थाउजेंड uh, करोड उसके बाद सेवेंटी एट थाउजेंड करोड करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स ठीक है आगे एप्लीकेबल टैक्स रेट इज ट्वेंटी टू परसेंट नेचर ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाजेंसी ऑफिस डिविजन इज मोर लेस बैलेंस बिटवीन दॉ दिक्सड कॉस्ट फिक्सार्जली कमिटेड इन नेचर एग्जाम्पल वो जो लीज वाला कॉस्ट है वो कमिटेड है अगर तुम लोग नहीं भी चलाओगे तुमको खर्चा तो करना ही पड़ेगा बट द सी ओ इज नॉट एग्रीड टू द सजेशन मेड बाय द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमिटी बिकॉज दी ओ इज ऑफ बिलीव दैट स्वेल्स यूएसपी और ओरिजिनल बिजनेस मॉडल इज सब एजेंसी ऑफिस Through which they ensured independence and impartial advice. In the next board meeting, board is expected to pass a resolution on this agenda item in order to decide whether to continue or sell the sub agency office division. Chalo, take it required first. Assess the competitive advantage. Sorry, assess the competitive environment of life insurance business of SWAL including sub-agency office division. Take it Present only two appropriate points for each phase of assessing the environment. चलो ठीक है। Evaluate the case for holding the sub agency offices, backed by financial viability among the other criteria. Present only two appropriate points for each monetary and non-monetary issue. ठीक है। तो part two के ना वो लोग तुमको बोलता है कि अगर अपने को sub agency business continue रखना है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे points तो बताओ कि like you know we should be continuing this particular thing. ठीक है। चल ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा है अभी उसके बाद लेट्स स्टार्ट ले आंसर तो स्टार्ट करते हैं विद आंसर अभी माइकल पोर्टर ने एक थीरी बनाया था डन एक्चुअली we'll हम लोगों ने काफी कई स्टडीज उसके ऊपर वो किया हुआ है दैट दैट इज माइकल फाइव बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर कैसा काम करने वाला है ओके इज द इंडस्ट्री लुकिंग गुड इज इट लुकिंग बैड ओके हु विल बी लाइक यू नो मोर इन डोमिनेंस या कस्टमर्स या हम लोग सप्लायर्स जो हैं अपने ऊपर डोमिनेंस कर पाएंगे या नहीं ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स फिर कंपटीशन कितना है फिर उसके बाद यहां पे न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं हाउ विल इट अफेक्ट आर ऑन ऑल दीज थिंग्स नो ट्राई ऑलवेज टू टेल अस लाइक यू नो कि इज इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन कैसा है प्राइस हम लोग कैसा चार्ज कर पाएंगे टू द कस्टमर सो ऑन बस एक चीज़ जरा याद रखना दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वी आर बेसिकली अ ब्रोकिंग कंपनी ओके बहुत सारी कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती हैं ओके okay, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन लोग को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए हम लोग बीच में एक इंटरमीडिएटरी हैं ओके लेकिन वी आर नोन इन द मार्केट फॉर गिविंग इम पार्शियल एडवाइस क्योंकि हम लोग इतनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स वगैरह वो बेचते हैं सो कस्टमर्स माइट ऑलवेज गेट कंफ्यूज राइट ओके दैट किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे दैट्स वेयर वी ऑल कम इन टू मिडल ओके तो हम लोग एक्जैक्टली exactly वही वाला काम करें तो हम लोग फाइव फोर्सेज को एक्सप्लॉइड करने वाले हैं उन लोगों ने हर एक चीज के लिखे प्रेजेंट एनी टू अप्रोप्रिएट पॉइंट्स एनवायरमेंट तो जिधर भी तुम लोग दो पॉइंट वो लिख सको दैट विल ऑल्सो बी ना तो माइकल पोर्टर ने यह वाला एक सिस्टम स्टार्ट किया था इन ट्राइंग टू बी नोइंग एक इंडस्ट्री के ना एनवायरमेंट कैसा है कॉम्पिटिशन है न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो माइकल पोटर सजेस्टेड मॉडल टू अस दायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री द फाइव फोर्स विच आर एन्यूमिटेड बाई दिस मॉडल आर बार्गेनिंग पार ऑफ द सप्लायर्स बार्गेनिंग पार ऑफ द कस्टमर्स थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंस थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट एंड लेबर ऑफ अराइवल री अम द इंडस्ट्री ओके तो दीज आर फाइव पॉइंट बस यही वाले को इन्यूमरेट करें कि हमारी जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस वाली ओके उसके अंदर ये वाले जो पांच पॉइंट है अपने को कैसे इफेक्ट करने वाले दिस मॉडल ये टाइम पास के लिए एक लाइन है इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टर्स फाइव फोर्स एनालिसिस

तो देन दे विल बी एबल टू डिक्टेट द प्राइस टू अस तब हम लोग कम प्राइस चार्ज कर पाएंगे बट इफ सपोज लाइक नो वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम और सपोज लाइक नो वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू देम जिसका शायद कोई सब्सटीट्यूट वगैरह नहीं है दे आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन अस ओके देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल बी एबल टू डिक्टेट प्राइस मोर ओवर इफ सपोज वी आर वेरी बिग एंड बायस आर स्कैटर्ड ओके देन इन दैट केस वी विल बी एबल टू डिक्टेट द प्राइस वैसा वर्सा अगर बायर्स बहुत कम है और मेरे जैसे सेलर बहुत ज्यादा है देन इन दैट पर्टिकुलर केस बायर विल बी एबल टू डिकेट दस आपको यही वाली चीजें बोलनी है बट इन रेफरेंस टू लाइफ अश्योरेंस ऑफ दिस कंपनी ठीक है तो यही वाली चीजें बस मैं वो बोलने वाला हूं दी बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स एक इंट्रोडक्शन है सेलर इज अ प्राइस चेकर और मेकर ओके दिस द आउटकम ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स ट्रू सेंस कॉम्पिटिशन इफ बार्गेनिंग पार ऑफ इफ दार्गेनिंग पार इज हाई द सेलर बिकम्स असर एल्स बिकम्स अ प्राइस मेकर ठीक है तो वो लोग क्या बोलता है कि अगर सपोज जो अपना बायर है ठीक है अगर वो अपने से बारगेनिंग ज्यादा कर सकता है ओके देन इन दैट पर्टिकुलर केस

अभी तुमको एक चीज समझ में आएगा लाइक यू नो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बायर्स आपके होते हैं ना ऑनेस्टली दोज आर क्वाइट लार्ज एवरीबडी ऑलमोस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी ओके बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट दीज गाइज आर डाइवर्सिफाइड ओके मतलब इनका कोई यूनियन वगैरह नहीं होता अगर मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेने का है तो मेरे को ही लेने का है ओके आई यूजअली विल नॉट बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग लाइक यू नो आई बी गोइंग टू टेन डिफरेंट पीपल एंड विल बी आस्किंग देम भाई तुम लोग को भी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए चलो इकट्ठे जाते हैं ऐसा बहुत कम होता है इन रियल लाइफ तो इफ बायर्स आर बी स्कैटर्ड ओके उनका बार्गेनिंग पावर हमेशा कम ही होगा क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस वो लोग इंडिविजुअली कंपनी के पास आएंगे ओके okay, तो ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर केस कंपनी विल बी एबल टू डिक्टेट द प्राइस टू देम दर इज वन थिंग सेकेंड सेकेंड एक और चीज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट अभी तुमको एक चीज समझ में आएगा जो कस्टमर को प्रोडक्ट वो चाहिए ना ओके okay, एक तो दैट विल बी ऑफर्ड नॉट ओनली बाय अस वी आर ब्रोकिंग कंपनी दे विल बी मेनी ब्रोकिंग कंपनीज लाइक दिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वो जो हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना वो लोग अपना भी ऑफिस लेकर आ रहे हैं एट ईच एंड एवरी प्लेस ओके तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस चीज की वजह से शायद अपना बार्गेनिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा ओके okay. क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस होगी कि वो हम लोगों से प्रोडक्ट खरीदे या फिर सपोज वो कंपनी से खरीदे ओके okay, वो डायरेक्टली तो यहां पर ना वैसे भी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं बेटा अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं ना तो ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस उन लोगों का जो बार्गेनिंग पावर है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ही कैन इजली बी गोइंग फॉर सम अदर पर्सन ओके यहां पे वही वाला चीज लिखा हो नंबर ऑफ बायर्स इन अश्योरेंस इंडस्ट्री द बायर्स आर लार्ज इन कंपेरिजन टू फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड डाइवर्सिफाइड हेन्स बार्गेनिंग पावर इज लो Standardized products, since the life assurance is a product which is standard from perspective of core functionality. Hence, buyers can easily substitute the brands and can negotiate to a reasonable extent. Okay, apart from that switching. Now, one thing to if customers can switch from one person to, to another person, no? their bargaining power will always be increasing. Example, mobile tariffs Because it's very easy to switch from Vodafone to Jio and so on. So, the prices are quite less. लेकिन मेरे ख्याल से स्विचिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट वेरी इजी ओके पर्टिक्यूलर क्योंकि एक बार यू सब्सक्राइब टू अ सर्टेन पॉलिसी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती business, no? ठीक है ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए ओवर हियर उसके बाद पार्ट बी दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स अब जरा सोचो हमारे सप्लायर्स कौन है आर सप्लायर्स विल बी द इंश्योरेंस कंपनीज जो लोग हम लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं और हम लोग आगे उन लोगों को क्लाइंट्स को बीच देते हैं ओके वी सेल दोज पर्टिक्युलर प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट ओके नो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इज डिटर्मंड बाई मेनी थिंग्स इज प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस डू आई हैव लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स एट अ देर ओके ऑल दी थिंग्स विल ऑलवेज अफेक्ट द बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ओके सो आई स्म स्टार्टिंग टू रीड दिस पर्टिक्युलर थिंग बार्गेनिंग पॉवर ऑफ सप्लायर Number of suppliers will decide the dominance that they possess in the team in the term of bargaining power regarding the price of the goods and services they supply to the business. In case of sub-agency business, division uh, following factors will affect the supplier's power. First of all, importance to the product. Khud zara socho abhi ye log jo, hai, aap logo jo product supply. Karte hai, is it important to you? I think so it is. बिकॉज करंटली वी ऑल हैव ओनली टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओके वन इज द फाइनेंशियल एडवाइजरी अदर इज दिस पर्टिकुलर ये जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो वाले बिजनेस से अपने को फिफ्टी परसेंट ऑफ रेवेन्यू आता है टू थर्ड्स ऑफ प्रॉफिट आता है आई डो अंडरस्टैंड दैट बिजनेस इज फार मोर इंपॉर्टेंट एंड फार मोर प्रॉफिटेबल एज कंपेयर टू दिस बट इट डज नॉट मीन दै दिस बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल दिस बिजनेस इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल टू अस सो दिस बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू अस ओके सो so, अगर ऐसा होएगा तो इफ अ प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है ओके बिकॉज दे नो दैट वी आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन देम इफ वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन देम देयर बार्गेनिंग पावर विल ऑलवेज बी राइजिंग ठीक है दैर इज वन थिंग सो आई एम रीडिंग दिस पार्ट स्वेल इज ऑल्सो डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट विच कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ द ग्रुप सेल्स एंड अराउंड सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ ग्रुप्स प्रॉफिट दस अश्योरेंस बिजनेस विच इज नो डाउट सिग्निफिकेंट बट ओनली चॉइस अवेलेबल टू स्वेर हेंस बार्गेनिंग पार ऑफ द सप्लायर्स इज मॉडरेट ओके मतलब है इंपॉर्टेंट ठीक है लेकिन शायद इतना भी ज्यादा नहीं है बिकॉज देर इज सब्स्टिट्यूशन अमंग द ब्रांड इसका मतलब क्या है अभी सपोज लाइक यू नो वी ऑल हैव टेकन द एजेंसी फ्रॉम से एल आई सी फ्रॉम आईसीआईसीचडीएफसी यू ऑल विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिक्युलर केस कि हम लोगों का कुछ ना कुछ यहां पे कट वगैरह तो होगा ओके देर मज बी सम मॉडल लाइक दिस दैट द कंपनीज गिव सम परसेंटेज ऑफ द पॉलिसी दैट वी बुक ओके कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो सब्सटीट्यूशन अमंग द ब्रांड का मतलब क्या है कैन वी कन्विंस आर फाइनल कस्टमर कि आप इस कंपनी के साथ मत जाओ आप दूसरी कंपनी के साथ जाओ आई थिंक टू अ गुड एक्सटेंट यू ऑल कैन बिकॉज यू एडवाइज अ क्लाइंट्स ओके तो यहां पे सब्सटीट्यूशन

तू को कितना देगा सोन एंड सो फोर तो उसकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई कैन ऑफर सिमिलर यूटिलिटीज लेसमियम देन इंश्योरेंस कंपनी टू क्लाइंट विश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कंपनी

उसने अभी यहाँ पे नॉर्म्स बहुत टाइट कर दिए हैं तो और कॉम और यहां पे जो कंपनीज वगैरह है ना वो आ नहीं पाएगा ठीक है सो देर लाइक नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज स्लाइटली लेस ओके बट याद रखना वी आर नॉट दो इंश्योरेंस कंपनीज ओके वी आर द एजेंसी इन मिड लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ना जो ये क्या बोलते हैं जो एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी हमारे जैसी जो एजेंट वर्क वगैरह है ना

If new entity enters a market, it will surely bring additional capacity which enhances the stiffness of the competition. Hence, becomes a kind of a threat. In case of sub-agency office uh, division, there are some major barriers to entry. First, lesser number of life assurances licensed by regulator due to tough regulations. As mentioned in the case that after considering the default by few insurance companies and increasing consumer complaints, regulator... ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस समथिंग लाइक जो आई आर डी ए वगैरह है इन द कंट्री हैज हैजाइट द रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड हार्ड इन द नॉम्स हेंस दिस में एक्ट एज अ एंट्री बैरियर एंड रिड्यूज द थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंस लाइक यू नो ऐसी और कंपनीज नहीं आ सकती जो लोग डायरेक्टली कस्टमर लोगों को गुड्स बेचना स्टार्ट कर देगा जैसे ये वाली जो कंपनीज हैं जिन लोगों से हम लोगों ने एजेंसी वो ली हुई थी जैसे वो वाली कंपनीज हैं ओके तो ऑटोमेटिकली ना लाइक यू नो मेरे को क्योंकि वो लोग भी मेरे कॉम्पिटेटर्स वो बंद वो बन ही जाते हैं ना बिकॉज नाउ दे आर डायरेक्टली सेलिंग द पॉलिसी टू द क्लाइंट ओके तो ऐसे लोगों का अभी अपने को थ्रेट कम है जो ट्वेंटी थ्री कंपनीज हैं वो हैं ओके okay, और बहुत कम आने वाली हैं इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड स्पेशली वो वाली कंपनीज जो डायरेक्टली कस्टमर लोगों को अप्रोच करती हैं ठीक है लेसर नंबर ऑफ न्यू इंश्योरेंस एजेंट्स ड्यू टू नो न्यू ऑथराइजेशन बाय द इंश्योरेंस कंपनीज तो हम लोग ब्रोकिंग फॉर्म है ओके okay? हमारे जैसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना लाइक एल वगैरह और कोई ब्रोकिंग फॉर्म वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही एज अ मार्केट इज री द agents is becoming competitor to the insurance companies okay and as mentioned insurance companies stop authorizing new insurance agents hence this will act as a barrier for the new insurance agents which is great positive for sub agency office division and intact the competitive advantage to so, apne gujebala advantage more number of agents like us will not be able to come into middle okay threat of substitution खुद ब खुद जरा सोचो लाइफ अश्योरेंस एक ऐसा चीज है लाइक यू नो जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके एग्जाम्पल अभी फोन आ रहा है ठीक है ना सपोज अ कंपनी लाइक से एप्पल ऑल्सो ओके उनको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे फोल्डेबल फोन्स विल कम वो उनको एक थ्रेट है और उनको लगता है कि वन पीपल माइट नॉट बाई द मोबाइल फोन ओनली गो फॉर द फोल्डेबल फोन ऐसा हो तो सकता है ओके okay. लेकिन अपने केसेस के अंदर वो चीज नहीं हो सकता ये अपने लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज नॉट देयर बेटा इंश्योरेंस इज अ बिजनेस दैट इज रनिंग फ्रॉम ओके और न्यू एंट्रेंस तो आने भी नहीं वाले वो पॉइंट नंबर सी के अंदर किया ओके सो इट इज समथिंग लाइक यू नो इट इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस substitution means a product from some other industry which can render same function which life assurance is rendering the threat of substitute products is quite low in such kind of cases okay now up quick example data okay, you quick example abina my friend okay he runs a training academy for tennis people okay for the tennis students अभी धीरे 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 मशीन्स आर कमिंग लाइक यू नो एंड दोज आर सो गुड ओके दैट सपोज इफ अ स्टूडेंट वॉन्ट्स नो ही कैन प्रैक्टिस विद दो पर्टिकुलर मशीन्स होनी वो मशीन उसको लाइक यू नो कभी बॉल इधर देगा कभी तो ये वाले जो कोचेज हैं ना दे हैव अ थ्रेट ऑफ न्यू सब्जीट्यूड बिकॉज वन डे इट माइट रेंडर द कोचिंग क्लास वेरी यूजलेस ओके ऐसा हो सकता है सो दे फोर इस केस के अंदर वैसा नहीं है एंड लास्टली कॉम्पिटेटिव राइबलरी जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने प्राइसेस अल्टीमेटली कम होंगे ओके okay. तो अभी यहां पर हम लोग यही वाले पार्ट से स्टार्ट करें द लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग द प्लेयर्स टू एक्वायर और रिटेन द मार्केट शेयर डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री फॉलोइंग फैक्टर इज अफेक्टिंग कंपेरेटिव राइबलरी फर्स्ट नंबर ऑफ कंपेरेटर्स एंड रिस्पेक्टिव मार्केट साइज ओके नाउ यहां पर तुमको एक चीज समझ में आएगा अगर कंपटीशन ज्यादा है ठीक है आई नो कि और ज्यादा नहीं आएगा वी ऑल आर अवेयर वो तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के अंदर भी तो किया ही ओके लेकिन अभी भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है ओके कोई बोलते सर आपको कैसे मालूम यू कैन ट्राई टू बी कंप्यूटिंग सम डेटा ओवर गई देखो जरा ये पूरा मार्केट साइज है ये अपना शेयर है सो इफ यू ऑल वांट यू ऑल कैन कंप्यूट लाइक यू नो सम ऑफ द डेटा ये आपकी मर्जी आप लोगों को कितना डेटा वो जनरेट करना है पांचों साल साल के लिए करना है तो आप पांचों सालों के लिए भी कर सकते हो अगर मैं सिर्फ ये दोनों सालों के लिए बोलूं तो थ्री डिवाइडेड बाई टू टू फोर जीरो परसेंटेज तो थ्री डिवाइडेड बाई टू टू फोर जीरो परसेंटेज ये आ जाएगा फोर्टीन ठीक है फिर 320 ट्वेंटी बाय बाई टू परसेंटेज ये आ जाएगा 14.56 परसेंटेज 312 डिवाइडेड बाई टू परसेंटेज 14.70 के आसपास ओके 298 डिवाइडेड बाय 2004 बाई दिस इज़ 14.87 परसेंटेज एंड लास्टली 280 डिवाइडेड बाय 1960 परसेंटेज ये आ जाता है 14.28 ठीक है तो ऑलमोस्ट अपना जो शेयर है ना ऑनेस्टली इन दिस पर्टिकुलर इंटायर थिंग हैज ऑलमोस्ट रिमेन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली ओके अपना यहां पर एक सेकेंड ना जो यहां पे लिखा हुआ है जरा देख भी लेना सिंस देर आर गुड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हेंस कॉम्पिटिशन विल बी इंटेंस मे कट थ्रोट Uh, the rivalry. Similarly, Swales Insurance Business represents 14.55% of the market share in 2019-20. 2019-20 का सरा वो डाटा देखना एक बार. 2019-20 का 14.5% uh, 14.55. That is this upon this. Okay. उससे पहले भी almost वो उतना ही रहा. थोड़ा बहुत changes वगैरह has happened. But I think that particular thing is not very uh, significant as such. नीशन पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग लिमिटेड एक चीज याद रखना अगर सपोज अभी मैं एक एजेंट हूं ठीक है आई एम ऑफरिंग सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मेरे जैसे अगर और एजेंट्स होंगे ना वो भी सेम प्रोडक्ट ही ऑफर कर रहे हैं बेटा ओके okay. तो ऑटोमेटिकली ना मेरा कोई एडवांटेज नहीं है नाउ टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स ऑन वट बेसिस डू आई एक्वायर इट ओके सो माइट भी आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा मार्केटिंग वगैरह तो वो करना पड़ेगा ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स बट ऑल थिंग्स विल इंक्रीज योर कॉस्ट धीरे 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 लाइक यू नो एक्जाम्पल आज की डेट में एक ओला होएगा एक ऊबर होगा हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड देयर कस्टमर्स नाउ टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स नो नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दैट मोस्ट ऑफ पीपल इधर यूज दिस और यूज दिस दे आर मोर कंफर्टेबल विथ समथिंग ओके okay, बहुत सारे लोग या फ्लिपकार्ट यूज करते हैं या एमेजॉन यूज कर लेते हैं नाउ फॉर देम टू एक्वायर नो इट इज डिफिकल्ट ऑब्वियसली तुम लोग अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो सर मैं तो शाणा हूं मैं तो दोनों यूज करता हूं वो बराबर है लेकिन शायद मैं तुम्हारी बात वही नहीं कर रहा हूं लेकिन क्या हो जाता है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर द न्यू कस्टमर्स बिकॉज कस्टमर्स आर नॉट बिलिंग टू स्विच ओवर ठीक है आगे लैक ऑफ डिफरेंसिएशन तुमको ये वाला पॉइंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट नंबर वन के ना कवर अप कर ही दिया था हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना बाकी एजेंट्स और बाकी कंपनीज भी वही वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली देर इज लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन तो कस्टमर्स नो ओके विल ऑलवेज बी हैविंग हायर बार्गेनिंग पावर ओके वो वाला चीज हो ही जाएगा बिकॉज हम लोग कुछ यूनिक चीज वो नहीं बेच रहे हैं ओके एंड ड्यू टू दिस कॉम्पिटिशन हमेशा इंटेंसिव रहेगा बिकॉज हाउ ourselves? We differentiate ourselves with the help ऑफ क्वालिटी बट देर इज नो क्वालिटी वर्क इन दिस ओके सो इन दिस के ये एक पॉइंट है लाइक यू नो जो आप लोग पिछले पॉइंट के साथ भी, भी क्लब कर सकते हो वैसे भी आपको हर एक के अंदर यहां पर ना दो पॉइंट ही देने हैं तो आप लोग ये वाला पॉइंट नंबर वन के अंदर भी क्लब कर सकते हो थर्ड थर्ड जो आपका पॉइंट है ना इन दिस केस इज ऑल अबाउट मार्केट ग्रोथ तुमको समझ में आएगा मार्केट जो है ग्रो नहीं कर रहा है ठीक है अगर मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है देन इन दैट पर्टिकुलर केस पीपल डू नॉट गेट मच बाय ऑपर्चुनिटी दे विल हैव टू ग्रैब द ऑपर्चुनिटी दे विल हैव टू टेक द मार्केट शेयर फ्रॉम समबडी बट दैट अगेन विल बी कमिंग एट अ वेरी हाई कॉस्ट ओके इफ मार्केट इज ग्रोइंग एट अ हाई रेट तुम लोग कोई भी दो पॉइंट लिखोगे इट इज ऑल फाइन ठीक है तो आरटीपी जस्ट गिवन मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स हेंस आई एम टेकिंग इफ मार्केट इज ग्रोइंग एट अ हाई रेट राइवलरी मे बी स्टिफर और मे बी मॉडरेट बिकॉज एवरी वन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो कोई एक न्यू इंडस्ट्री होती है आई विल गिव यू बेस्ट एक्साम्पल सपोज अभी इलेक्ट्रिक बाइसिकल नेक्स्ट टेन इयर्स आई थिंक इज गोइंग टू बी लाइक यू नो कमिंग आउट अ लॉट इन द मार्केट ओके कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा लेकिन अगर इंडस्ट्री गो, ग्रो हो रहा है ना एवरीबडी विल बी गेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू भी सो मेनी कंपनी आप लोग अभी यूट्यूब के ऊपर ये वाले वीडियोस चेक करना टॉप फाइव इलेक्ट्रिक साइकिल्स ऑन एमेजॉन अमेरिका यू विल गेट साइकिल्स एट इवन लाइक नो ऑन वन सिंगल चार्ज दे कैन ट्रेवल अप टू टू हंड्रेड किलोमीटर्स ओके सच यूज इतना ज्यादा कॉम बट ऑल दो कंपनीज आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे ऑल आर गेटिंग ओके ऑल दो यू ऑल माई नॉट बी नोइंग बट मोस्ट ऑफ दीज कंपनी स्टिल गेट द थिंग्स मैन्युफैक्चर इन चाइना वो अलग बात है ओके बट इन अमेरिका दि इज अज डिमांड फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज ओके मोमेंट ग्रोथ गेट्स टैगनेटेड ड्राइवल री बिकम स्टिफ फॉर बिकॉज नो वन विशेष टू लूज द मार्केट शेयर ओके तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो so प्रॉफिटेबिलिटी हर फॉर्म का इवेंचुअली कम हो ही जाता है बिकॉज इज अ प्राइस फॉर दैट स्टार्स द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कर्व गेट्स फ्लैट एन ओवर हिस्सर बिकॉज लास्ट फोर ईयर्स ओवरऑल इंडस्ट्रीज सी ए जी आर दर इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ लाइफ एश्योरेंस बिजनेस इज थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट मैं आपको ये थ्री नाइन थ्री नाइन थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट करके दिखा भी सकता हूं जस्ट वेट फॉर अ मिनट वेयर एज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्रॉम एटीन टू नाइनटीन इज वन पॉइंट नाइन वन परसेंट ठीक है ऑल दो पोटेंशियल इज लिमिटेड बट कॉम्पिटिशन इज स्टिल वेरी हाई अगर कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है ना ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट बी फॉलिंग अच्छा थ्री पॉइंट थ्री नाइन वगैरह ये सब कुछ तो वो कैसे आया सुनो नाउ बराबर से जरा सुनना अभी बोलो क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है ना वो ग्रो बहुत कम हो रहा है ओके okay, मार्केट का डेटा जो है वो इधर है तो पहले वो 1.19 दिखा देता हूं तो 2240 लो डिवाइडेड बाय 2198 लो ये आ जाता है 1.091 ओके okay. तो अगर ये वन था दिस इज 1.091 मतलब ग्रोथ इज इन दिस केस 1.91 परसेंट ओके कंप्यूट करके देख लेना दिस अपॉन दिस वेच इज यू 1.0191 तो वन बिकेम दिस मच मतलब ग्रोथ वाज 0.091 0.191 नाइन वन करेगा बोले तो 1.91 तो इंडस्ट्री नो इज नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट ये वाला जो इंडस्ट्री है ना इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है ठीक है तो ऑटोमेटिकली अपना ग्रोथ विल ऑल्सो नॉट हैपन लाइक यू नो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी क्या था अगर मार्केट का साइज़ बढ़ेगा ना एवरीबडी विल बेनिफिट ओके लेकिन अगर मार्केट का साइज ही नहीं बढ़ेगा okay? ना आप लोग क्या कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर दिस फिगर है स्क्रीन के ऊपर आ जाता है दिस फिगर अपॉन दिस नाउ दिस इज ओवर द फोर ईयर ठीक है तो आपको ना फिर इस फिगर का फोर्थ रूट लेना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ओके okay. तो अगर फोर्थ रूट कैलसी के ऊपर लेने का यू कैन प्रेस रू टू टाइम्स तो देख लो अगर इसका मैं फोर्थ रूट लेता हूं ना दिल कम टू वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री नाइन दैट पर्टिकुलर थिंग इज न थिंग बट थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट का ग्रोथ ओके okay. तो लाइक यू नो लास्ट चार साल के अंदर भी अगर वो देखोगे ना इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा वो नहीं बड़ी है ऑब्वियसली अगर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा वो नहीं बड़ी है इन दैट पर्टिकुलर केस लाइक यू नो अपना ग्रोथ पोटेंशियल विल ऑलवेज बी लेस सो दिस गिव्स यू क्रूड एस्टिमेट लाइक यू नो सपोज अगर मैं बंदा होता है कैसा हु वॉन्ट्स टू एंटर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री दिस दिस इंडस्ट्री इज नॉट वेरी गुड क्योंकि यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेग्नेटेड इंडस्ट्री ऑल दो कॉम्पिटिशन अभी भी है बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी ग्रैबिंग द मार्केट शेयर एज सच

उनको इतना ज्यादा लॉस होता है वो लोग बंद क्यों नहीं कर देता बिकॉज बंद करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एग्जिट बैरियर्स लाइक यू नो कि उन लोगों ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दैट इमीजिएटली बिकम्स वर्थलेस अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो वी ऑल हैव साइन थर्टी थर्टी ईयर्स का जो लीज वाला डील है विद द लैंड लॉर्ड वगैरह ओके अपना ट्वेंटी फाइव ईयर्स का डीलिंग है विद द इंश्योरेंस कंपनी सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट तो अगर प्रॉफिट कम भी हो रहा है ना सिंस एजेंसी एग्रीमेंट एंड लीज एग्रीमेंट वो 25 साल वाला वो 30 साल वाला इज ऑलरेडी साइन हेंस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर चलिए ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर अभी टू जो था मैं एक बार वो पढ़ देता हूं फॉर होल्डिंग सब एजेंसी फाइनेंशियल वाइबिलिटी अमंग द अदर क्राइटेरिया प्रेजेंट ओनली टू अप्रोप्रिएट पॉइंट फॉर इच मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी क्या बोलते हैं कि ना तुम लोग बताओ इन दिस केस की शुड वी एक्चुअली कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ओके तो सुनो

उसके अंदर से इतना सिर्फ अमाउंट आया फ्रॉम ई प्लेटफॉर्म आई अंडरस्टैंड ई प्लेटफॉर्म वाला जो चीज है ना इट इज गोइंग टू बी ग्रोइंग आई अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग आई अंडरस्टैंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रो और ये जो 280 वाला पार्ट है ना ये जो 280 वाला पार्ट है ओके okay, ये वाला अपना जो बिजनेस है ये शायद धीरे 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 इट इज बिकमिंग टफर आई डू अंडरस्टैंड दो पर्टिकुलर थिंग्स बट इट इज नॉट लॉस मेकिंग और अगर मैं यहां पे क्लाइंट्स का डेमोग्राफी भी चेक करूं तो यहां एक एज क्राइटेरिया भी है ओके। okay? इस क्राइटेरिया से ना आप सी आई कॉल देम फ्रॉम ट्वेंटी टू फोर्टी इंटरेस्टेड इन टेकिंग द इंश्योरेंस ऑन द क्लिक ओके वो जो ई प्लेटफॉर्म वगैरह है लेकिन जो उसके बाद वाले लोग हैं ना सर उसके जो बाद वाले लोग हैं ओके okay? मतलब पीपल फ्रॉम फोर्टी ईयर्स टू सिक्सटी प्लस ओके सिक्सटी प्लस वाले वैसे ही लोग कम इंश्योरेंस वो लेने वाले हैं क्योंकि वैसे भी लाइक यू नो दे आर नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ ओनली वो अलग बात है लेकिन मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल वांट टू विजिट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सच काइंड ऑफ ब्रोकिंग कंपनीज विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेस्ट सुटेड फॉर देम तो मेरे ख्याल से एक तो ना अभी अगर हम लोगों ने ऐसा बिजनेस बंद कर दिया खुद ब खुद जरा सोचो अगर हम लोगों ने ऐसा बिजनेस बंद कर दिया को बोलते सर प्रॉफिटेबल नहीं है एक मिनट प्रॉफिटेबल है अल्ट्रा प्रॉफिटेबल नहीं है ओके स्टिल योर एंटायर ब्रोकिंग बिजनेस गिव्स यू 50 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू दैट्स ओके गिव्स यू वन थर्ड ऑफ योर प्रॉफिट बिकॉज वन थर्ड इज वेरी ह्यूज अभी उसके अंदर से भी इफ यू विल स्टिल स्टार्ट टू बी थिंकिंग ना ओके यहां दरा वो देखना एक प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट भी था अगर प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट ओके ये जो रेवेन्यू वाला वो बिजनेस है इन दिस केस सिर्फ ये वाला पार्ट मतलब सिर्फ वो सब एजेंसी वाला पार्ट वो ई प्लेटफॉर्म वाला पार्ट नहीं ठीक है अभी टू एटी करोड़ थाउजेंड करोड़ का ओके okay. यहां, यहां, यहां पे बड़ा है सो स्टिल इट इज ग्रोइंग आई एम नॉट से अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोट अंडरस्टैंड दैट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओके पहले गिरा लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा वो बड़ा सो देर इज पोटेंशियल येज देर आर लॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिटर्स आई डोंट अंडस्टैंड दैट ओके बट स्टिल इट इज गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चलते फिरते बिजनेस को ना बंद नहीं करते येस यू कैन एक्सप्लोर ई प्लेटफॉर्म अगर सपोज कभी ऐसा दिन आया वेयर बायू स्टार्ट टू बी थिंक इंग दैट तुम्हारा रेवेन्यू इज मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ सच तो फिर अलग बात है लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक सो दैट सिचुएशन हैज है अपने को फिर भी अठारह हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है लुकिंग ओनली फ्रॉम दिस सब एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू ये yes, और बीच में एक और चीज ऑल्सो आई कुड टोल्ड एक्चुअली कि हमारे ज्यादातर एम्प्लॉयज वगैरह जो है ना किधर ना किधर वो वाला डेटा भी था यार अपने ज्यादातर एम्प्लॉयज वगैरह जो है ना देखो यहां पे अपने पास वन फाइव एट फोर वो एक नंबर मेरे को याद है हाँ सॉरी 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 तो नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज एंड आउट ऑफ दैट ओनली फिफ्टी पीपल आर एम्प्लॉयड फ्रॉम ई प्लेटफॉर्म ओके बाकी इतने सारे जो लोग हैं ना वो उसी के अंदर है कोई बोलता है सर फिर लोगों को शिफ्ट करो इंटू ई प्लेटफॉर्म बेटा ई e प्लेटफॉर्म ना दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूमन काइंड ऑफ अ डिविजन ओके वहां पर इतने ज्यादा लोग क्या करेंगे वो तो बेसिकली इट इज अ वेबसाइट ओके तो वहां पे इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन जो नॉर्मल ब्रिक एंड मोटर वाला जो बिजनेस है ना तुम्हारा वहां पे लोगों की जरूरत है एक फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है फिर उसके बाद दो एक्सपर्ट्स वगैरह कुछ ऐसा था एक क्लेरिकल बंदे की जरूरत है तो वहां पर मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड खुद ब खुद जरा सोचो अगर तुम लोग सोचते हो कभी सर बंद कर देगा ओके बेटा बंद कर देगा ना एट दैट टाइम देर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो जो तुम्हारे ये अपना जो एम्प्लॉज हैं वो किधर जाएंगे दैट इज वन थिंग सेकंड प्रॉफिट है तेरे को तेरा वन थर्ड का प्रॉफिट आ रहा है अभी भी सो इट इज समथिंग लाइक यू नो बिच इज डूइंग वेरी गुड यहाँ पे लॉस होता ना मैं फिर भी कभी, कभी कभार सोच लेता कि अभी ये चीजों का टाइम चला गया ओके okay. अभी भी आज की डेट में भी तुम लोग अगर ये देखोगे ना एल का 90 परसेंट से ज्यादा सेल्स जो होता है वो उनके जो एल के जो एजेंट्स होते हैं वही लोग करवा पाते हैं ओके सो ओल्डर जनरेशन देर लाइक पॉलिसी सो ऑन एंड सोफो ठीक है तो ये एक चीज है अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों ने बंद किया ना तो एक तो तुम्हारा कंपनी के साथ वो बिजनेस था ओके सॉरी वो जो एग्रीमेंट था एक तो उसका क्या दूसरा तुम लोगों ने लॉन्ग टर्म लीज रे के वो रखी हुई है दोज आर कमिटेड फिक्स कॉस्ट सो वट एवर विल है वो वाले पेमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे ओके सो इन लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई डोंट थिंक सो लाइक यू नो दैट दिस इज समथिंग टू बी क्लोज ओके आई डोंट थिंक सो अपने को ऐसा बिजनेस बंद करना चाहिए हा मैं अभी तुम लोग को और रेशोज भी निकाल के दे ही सकता हूं एग्जाम्पल अभी इस डेटा से देर आर मेनी थिंग्स दैट यू ऑल कैन बी फाइंडिंग आउट तुम लोग क्या कर सकते हो यू कैन ट्राई टू बी कंप्यूटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू टू गिव यू नेट प्रॉफिट रेशो यू कैन डू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर केस तुम लोग ऐसा काम भी कर ही सकते हो टू बी फाइंडिंग आउट की फाइनेंशियली ये वाला चीज है प्रॉफिटेबल है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ रेशो ओके तो वो वाली चीजों पर आई स्टार्ट टू कम राइट नाउ ओके तो सुनो और कोई भी दो दो पॉइंट विल बी इनफ़ ओके तो शुरू में वही वाला चीज लिखा है स्ट्रेटेजिक रिव्यू कमिटी सजेस्ट दैट सब एजेंसीड टू बी वैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अमंग दर क्राइटेरिया ओके तो फाइनेंशियली पहले ये देख लो लेकिन ये वाला चीज अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है आई अंडरस्टैंड मार्केट इज नॉट ग्रोइंग आई डू अंडरस्टैंड दैट आई ऑल्सो डू अंडरस्टैंड कि हमारा भी जो शेयर वगैरह है वो कुछ खास नहीं बढ़ा वी ऑल डू अंडरस्टैंड बट स्टिल वी आर गटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट माइड भी लाइक यो दिस इज अ मच्योरिटी स्टेज ओके ऑफ योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इन मच्योरिटी स्टेज इज आई डू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिशन आर वेरी हाई बट यू आर स्टिल अस्टैब्लिश्ड प्लेयर नाउ यू हैव एस पी वी आर बाई लाइक यू नो आर यू एस पी एज दैट वी गेव अ इम्पार्शल व्यू ओके वी ऑल हैव डन दैट हम लोगों ने मेरे ख्याल से फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही ऐसी चीज पढ़ा था सो दीज आर योर थिंग्स एट दैट आर देयर तो ये वाली चीजें मेरे ख्याल से गबाना नहीं चाहिए दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन द ग्रोथ इन लाइफ अश्योरेंस बिजनेस इज स्टैग्नेटेड एंड इंडस्ट्री इज इन मच्योरिटी स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री साइज एंड ग्रोथ इन द सेम ड्यूरिंग द लास्ट फोर इयर्स द ओवरऑल इंडस्ट्री कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट वो कैसे आया मैंने कंप्यूट करके दिया अर इज ईयर टू ईयर ग्रोथ इन द लास्ट ईयर इज वन पॉइंट नाइन द मोमेंट ग्रोथ स्टैग्नेटेड द मोमेंट ग्रोथ गेट्स इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द मार्केट ओके इनफैक्ट अगर मैं वो माइकल पोटर का फाइव फोर्सेज वो करूं ना मेरे को लास्ट वाला पॉइंट देख के लगता है कि लाइक यू नो कंपनीज इन अ इंडस्ट्री जिधर कॉम्पिटिशन बहुत 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 ज्यादा है in cases where, where markets witness intense competition operating efficiency is essential and reduction in cost becomes key factor Abhi kya bote Shayad na, you will not be able to get more clients so a good thing in such cases that companies can be doing try to concentrate on how to be reducing your cost in order to offer competitive deals to the clients and retain the market uh, above रिटेन मार्केट शेयर सुनो इसके ना भी ना, को कभी ना कभी वो वो बोलना चाहिए तो okay. हमारे जैसी और भी होंगी ओके okay. अभी उन लोगों ने भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील किया हुआ है मैंने भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील किया हुआ है अभी क्लाइंट एक मेरे पास भी आता है क्लाइंट एक उसके पास भी जाता है अभी हाउ विल बी एबल टू गिव अ बेटर डील ओके आई थिंक आई विल हैव टू गिव better डील आउट ऑफ my शेयर only. सपोज लाइक यू नो इंश्योरेंस कंपनी जो है example दे रहा हूँ नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो बोलता है तुम लोगों ने जितने की insurance पॉलिसी वगैरह बुक की उसका 10% परसेंट तुम्हारा ओके okay. अभी जो क्लाइंट आता है ना ओके okay, वो मेरे साथ बार्गेनिंग करना स्टार्ट करता है मेरे से चीजें पूछ के जाता है फिर कोई हमारा जो एक राइवल कोई ब्रोकिंग फॉर्म होगा उससे भी पूछता है

rather than thinking to sell off the entire sub-agency office division okay the product life cycle declining honestly declining states maturity state भी industry is body it is not doing bad okay yes it is growing at a negligible rate i do understand that but it is still growing boss okay now moving to the financial analysis which suggests that it is beneficial for us

अगर मैं देखूं तो 46 डिवाइडेड बाय 326, 14.11 पॉइंट वन वन परसेंट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इज ओनली कमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बाकी जो है इट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम दिस ब्रिक एंड मोटर स्टोर ओके जहां पे वो फाइनेंशियल प्लानर बैठ बैठता है सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रुप ओके दिस इज गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ओके तो ओवरऑल 50 परसेंट दे रहा है ओके okay, उसके बाद वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट भी दे रहा है प्रॉफिट बोले तो बॉटम लाइन आई गेस एवरीबडी नोज दैट फिर उसके बाद 86 सिक्स परसेंट इज कमिंग फ्रॉम द सब एजेंसी ओके एंड ओनली 14 परसेंट इज कमिंग फ्रॉम दैट ई प्लेटफॉर्म जो नाला एक बिजनेस है प्रो, जो प्रॉफिटेबिलिटी है अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना दैट यू कैन ट्राई टू बी जजिंग इन मेनी वेज ओके आईसी ने दो काम किया तो मैं दो काम कर देता दो काम कर देता हूं वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द अदर पर्टिकुलर थिंग इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं दोनों के हिसाब से बात करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत ईजी है वो ओके ऑल दो तुम लोग यहां पे प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट भी बात कर सकते थे ओके क्योंकि यहां पे ना आपके पास डेट का वो इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है ठीक है तो अगर मैं पहले यहां पर प्रॉफिट अपॉन सेल्स करूं तो यहां पे आई एम राइटिंग इट डाउन अभी ये वाल कैलकुलेशन इन केस स्टडीज यू ऑल माइट नॉट बी डूइंग कैलसी के ऊपर करके यू ऑल कैन फिनिश इट ऑफ सो एटीन डिवाइडेड बाई टू एसेंट यह आ जाता है सिक्स पॉइंट फोर थ्री के आसपासड बाई टी टू परसेंट यह आ जाता है फाइव पॉइंट एट एट और यह आ जाता है थर्टी वन डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी परसेंट यह आ जाता है ट्वेल्व पॉइंट फोर आई डू अंडरस्टैंड इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम हेयर टिल हेयर आई डू अंडरस्टैंड दैट ठीक है अपना जो नेट प्रॉफिट रेशो है काफी कम हो गया बट आई थिंक द मेजर रीजन फॉर दैट विल बी नथिंग बट हम लोगों ने इतने सारे जो ऑफिसेज वगैरह वो खोले हैं उन लोगों का जो रनिंग कॉस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा होगा येस वी शुड ट्राई टू री स्ट्रक्चर वी शुड ट्राई टू बी थिंकिंग वट इज़ द मोस्ट एफिशियंट वे टू बी रनिंग ईच ऑफ द ऑफिसिस दैटर देर वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट ठीक है ई टू बी थिंकिंग लाइक यू नो कि यहां पर क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे खर्चे वगैरह कम हो आई डो अंडरस्टैंड लेकिन फिर भी प्रोफिट जो अभी तक आ रहे ना दैट इज क्वाइट हाई ठीक है ऑल दो वन सजेशन दैट यू ऑल कैन बी गेमिंग दमनी शुड ट्राई टू री स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ठीक है एक और काम यहाँ पे वो कर सकती हो ये दोनों का टोटल जरा वो मारता हूं वन फिफ्टी सिक्स प्लस सेवनटी एट दिस इज टू थर्टी फोर ठीक है सो एटीन थाउजेंड करोरस का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टू थर्टी फोर थाउजेंड करोर परसेंटेज दिस इज सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ओके से उधर थर्टीड बाई टू हंड्रेड परसेंट दिसंट फाइव परसेंट तो तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है ना वो गिरता जा रहा है ओके दैट पर्टिकुलर थिंग इज स्टिल देर ओके सो आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक यू नो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपना है ना ओके इन दिस पर्टिकुलर केस

No doubt ROCE has shrank from 15.5 to 7.69 in 3 years' time frame. But reduction in EBIT is not only the reason. Another major reason for decline is also change in capital structure. Long term debt has increased in absolute terms from 50 to 78. Upna return on capital employed hai, honestly, that particular thing has fallen as such. तो बट स्टिल एज आई टोल्ड इट इज स्टिल पॉजिटिव यू आर स्टिल गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट सो इट इज ऑल फाइन एज सच ओके अच्छा वो लोगों ने एक और चीज बोला शायद यू माइट हैव अंडरस्टूड आल्सो कि ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपना वो गिरा है वन ऑफ द मेजर रीजन आर ओ सी वो गिरा है इज बिकॉज योर बेस हैज बिकम बिगर ओके अगर तुम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वो देखोगे ना तुम लोगों ने यहां पे डेट ज्यादा लिया है एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कमिंग ऑन डेट ओके बट इफ यू विल बी बोरुइंग मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल और यू विल बी इवन गोइंग फॉर आई टीओ इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑल्सो अगर सपोज यू आर बेस बिकम्स मोर इट इज रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैपिटल एम्प्लॉयड वो बढ़ेगा ऑटोमैटिकली प्रॉफिट इन दिस पर्टिक्युलर केस विल स्टार्ट टू फॉलो ओके तो प्रॉफिट जो है वह गिरेगा ही गिरेगा ओके तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फॉलिंग बट स्टिल द बिजनेस आई डोंट थिंक सो इट इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस ठीक है आगे लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशो तुम लोग बोल सकते हो क्योंकि सामने ना आप लोग को यहां पे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दिया है तो अगर यहां पे वो देखोगे तो उन लोगों ने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दिया है करंट एसेट्स अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है आई अंडरस्टैंड कि यहां पे तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज भी वो बढ़ी रहा है इफ यू ऑल वॉन्ट तुम लोग करंट रेशो कंप्यूट करके आगे कमेंट कर सकते हो जो शायद आई ने वो वाला काम तो वो किया ही रहेगा ओके लिक्विडिटी करंट रेशो बींग रीजनेबल मेजर ऑफ लिक्विडिटी Indicates enough liquidity in the sub-agency office division to meet its obligation. There is a minor decline from, you can compute the current ratio, current asset upon current liability, you all know that. Okay. From 1.36 times, 367 times to 1.33. Okay. Then, component analysis of working capital can be performed for greater insight. Instead of doing liquidity ratio, you can try to find out quick ratio also. Okay. तो आपको दोनों को कंपेयर करके पता चल जाएगा कि कौन से करंट एसेट्स आर लिक्विडेबल ओके विच आर नॉट एस ओके आगे ये वाला भी रेशो ये तुम्हारी मर्जी अगर करने का है तो कर सकते हो तो गेयरिंग रेशो या कैपिटल गेयरिंग रेशो दैट इज नथिंग बट डेट अपॉन इक्विटी ओके क्योंकि यू ऑल माइट हैव हैर्न समथिंग एल्स ऑल्सो जहां पे प्रेफरेंस भी आता है वो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि सम के अंदर जो प्रेफरेंस करके है वो कुछ आ, है ही नहीं गेयरिंग रेशियो डिपेंड्स फाइनेंशियल एवरेज अ मेजर ऑफ रिस्क गेयरिंग रेशियो नो डाउट है ठीक ही होता है यहां पर तो अभी तक हाफ ही है सो इट इज क्वाइट ओके ठीक है लाइक यू नो टिल नाउ अगर वो देखोगे तो ना तुम्हारा डेट ये किधर है तुम्हारा डेट इज नॉट मोर देन योर इक्विटी एज सच बेटा तुम्हारा डेट जो है ना वो काफी कम ही है सो इट इज ऑल ओके और क्या हो जाता है समटाइम्स टू टेक डेट इज बेटर बिकॉज द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी लोअर यू हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग इन एफएम क्लाइंट्स डेमोग्राफी क्लाइंट्स डेमोग्राफी इनफैक्ट मैंने ये वाला पॉइंट वो बोल दिया जो भी ओल्डर तुम्हारे क्लाइंट्स है ना मोस्ट ऑफ देम स्टिल डू प्रेफर टू गो टू द एजेंसीज बिजनेस ऐसे क्वेश्चंस के ना जितना तुम लोग डेटा निकाल के दे सकते हो ना तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो एग्जांपल क्या डेटा निकाल के वो दो दे, दे सकते हो वो सब्जेक्टिव है थोड़ा सा बट यहां दिस पर्टिकुलर थिंग आउट ऑफ दिस दैट विल टेल यू इन दिस पर्टिक्युलर केस कितना दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग ओवेर ठीक है ऑल्टरनेटली इन दिस पर्टिक्युलर केस तुम लोग क्या कर सकते हो ऑल दीज अमाउंट नो यू कैन ट्राई टू कंप्यूट आउट ऑफ दिस ऑल्सो ओके ताकि अपने को पता चल जाए कि आउट ऑफ द टोटल बिजनेस विच आर विच इज दैट पर्टिक्यूलर बिजनेस लाइक यू नो विच इज ड्रिवन बाई दिस पर्टिक्युलर एज ग्रुप ओके तो इस एज ग्रुप का अगर सपोज मैं एक टोटल करूं आई डोंट नो व्हाट आई सी एस डन लेकिन मैं क्या कर करूं थर्टी एट प्लस वन सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी वन ओके वाला जो बिजनेस है ये सब एजेंसी से आता है डिवाइडेड बाय ये टू फिफ्टी थ्री आया टोटल डिवाइड बाय थ्री ट्वेंटी सिक्स परसेंट सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स के आसपास जो बिजनेस है ना तुम्हारा इस एज ग्रुप का आता है और ये वाले जो एज ग्रुप है ना शायद ऐसे ही है जो ई e प्लेटफॉर्म के लिए ना जा पाए तो अगर सपोज यू एवर क्लोज इस पर्टिकुलर थिंग ना तुम्हारा ये वाला सारा का सारा जो बिजनेस है लूज हो जाएगा ओके okay. अभी उन लोगों ने कुछ ऐसा परसेंटेज ही निकाला होगा क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स 20 टू 60 क्लाइंट्स ऑफ स्वेल अश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस अभी उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने ना फोर्टी ईयर्स वाला वो नहीं निकाला शायद फिफ्टी ईयर्स प्लस वाला निकाला सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट दैट इज टू वन सेवन अपॉन थ्री ट्वेंटी सिक्स

प्लस फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज सिक्सटी सिक्स के आसपास ही आता है एक 164 वन सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी सिक्स परसेंट ओके तो अप्रॉक्सीमेटली वो सिक्सटी सिक्स परसेंट के आसपास तो वो आ जाता है विच इज क्वाइट ह्यूज है तो सिक्सटी सिक्स परसेंट के आसपास ये वालों लोगों का जो बिजनेस है अगर मैं इसके ना ये टू भी ऐड कर दूँ ना ओके तो यहाँ पर जरा वो देखना वन सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी वन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी सिक्स ओके आउट ऑफ द टोटल बिजनेस नो सबसे ज्यादा बिजनेस तुम लोग को ये वाले लोग देते हैं ठीक है और इसके अंदर भी ना इफ आई विल डू वन थिंग दिस टोटल आई विल डिवाइड total टोटल ऑफ दीज थ्री will विल to टू giving me मी लाइक यू नो उनमें से कितने लोग वो ब्रोकिंग कंपनीज के पास जाते हैं ठीक है मतलब वो हमारे जैसी तो दैट विल बी कमिंग टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस वो नाइनटी नाइन परसेंट आता है जो उन लोगों ने कंप्यूट किया दैट ऑल्सो ट्राइज टू टेल यू दैट ये वाला जो एज ग्रुप है ना विल बी ऑल गॉन

प्लस फिफ्टी वन या आ जाता है टू फिफ्टी थ्री थ्री ट्वेंटी सिक्स तो आउट ऑफ योर टोटल रेवेन्यू सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्सेंट इज कमिंग भी प्रेफर करते हैं कि एक ऑफिस के अंदर जाए सोच समझ कर ही पॉलिसी ओके सो अगर तुम लोगों ने तुम्हारा जो पॉलिसी वगैरह है वो बंद अगर तुम्हारा जो ब्रोकिंग कम नहीं है वो बंद किया है बहुत सारा जो बिजनेस है वो चला जाएगा ठीक है Secondly, clients from all age group might not find it convenient to shift to e-platform. That's what I told. And their resistance may result in losing the business. Thirdly, they have easily available substitute because competitors must also be having branch offices which will give them the same feel. वो लोग क्या बोलते हैं अगर तुम लोगों ने ये वाला बिजनेस अपना जो ब्रोकिंग वाला है बंद कर दिया तो याद रखना आ, जो इंश्योरेंस कंपनीज थे ना उन लोगों ने ऑलरेडी हर जगह पर अपने अपने ऑफिस सेटअप कर लिए एट मोर प्रोमिनेंट प्लेसेस पीपल ये वाला जो एज ग्रुप है ना विल स्टार्ट टू बी गोइंग टू देम ओके तो इसलिए वो वाला काम नहीं करना चाहिए आगे रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज अभी बहुत सारा ये वाला पॉइंट इन फैक्ट मैंने बोल भी दिया था वन फाइव सिक्स फोर का नंबर अब मेरे को वो याद हो ही गया आउट ऑफ सो मनी एम्प्लॉयज ओनली फिफ्टी आर देर फॉर दिस ओके सो देर फोर अगर तुम लोगों ने यह वाला बिजनेस बंद किया ना इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब द रिमेनिंग पीपल वो ई प्लेटफॉर्म वाले धंधे के अंदर तो दोस्त इस के नॉट बी देर क्योंकि वहां पे पर ज्यादा so okay. ह्यूमन्स की जरूरत नहीं पड़ती सो देर फॉर इट माइट प्रूव टू बी वेरी बैड ओके मार्केट के अंदर तुम्हारा कंपनी बंद हो रहा है क्योंकि इतने ज्यादा पीपल विल गेट डिस्प्लेस्ड ओके okay. so many needs to be retrenched Matlab many people will have to be removed okay resistance will be there in both the cases because transferred employees may not have the requisite skill set resulting in poor quality of service and no job satisfaction to the employee whereas in case of restrained workers redundancy cost will become uh, additional burden agar suppose wolo kuch some wo labor unions hai, ya fir suppose you might have to be paying them some compensation so that will become an additional cost and lastly लास्ट टू पॉइंट ऑल दो एनी टू पॉइंट्स आर ओके क्या अगर बिजनेस बंद किया वो लीगल पार्ट भी आई जाएगा दैट थिंग इज वन थिंग दर हे टोल्ड बिकॉज यहां पे अपना एक 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट था एक 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो एक पॉइंट है ओके लीज वगैरह बंद कर दिया सॉरी oh, हम लोगों ने लीज लिया था फॉर 30 इयर्स बीच में बंद कर दिया अपने को शायद यहां पर जो लीज वगैरह है वो फिर भी पे वो करना ही पड़ेगा जब बिजनेस इतना फैल जाता है ना डू रिमेंबर क्लोजर इज नॉट वेरी इजी इट इज वेरी डिफिकल्ट एज सच ओके और उसके बाद एक लूजिंग द यूएसपी ओके दिस थिंग इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स लाइक यू नो मार्केट के अंदर अपना गुडविल माइट बी गोइंग फॉर अ टॉस ओके क्योंकि हमारा एक चीज था दैट वी आर अ कंपनी विच इज अनबाइस एंड विच इज प्रोफेशनली ट्रेन टू गिव एडवाइस टू एवरीबडी ओके तो अगर हम लोग सब एजेंसी वाला बिजनेस जो है वो बंद कर देगा ना ओके okay, तो शायद वो जो अपना ऑनलाइन बिजनेस है ई प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है उसको भी फर्क पड़े ओके बिकॉज देयर विल बी अ न्यूज़ इन द मार्केट दैट टूडे वी like you know do not offer the same services that we all were okay how things have effect no it is very difficult to be thinking also okay closure of one business might lead to other businesses also being falling Aisa zyada hota hai. so that's what i've written over here independence and impartial advice with presence wide across the nation in form of sub agency equipped with professionally trained staff headed by a financial planner or advisor where customer can Take advice and discuss the opinion prior to investing. Okay, wo apna USP tha. By disposing of this office division, this central idea which well was established, may be washed out. Okay, so very big USP, tha, that thing will be altogether gone. Okay, in nutshell, life assurance business has matured in the recent years and result in low growth potential and lower profitability.

इसके बाद वाले जो भी आपके क्वेश्चन हैं चाहे वो जैसे भी हों फ्यू ऑफ सच जो मॉड्यूल्स के अंदर भी वो वाले कंसेप्ट वो नहीं थे आई विल बी टेकिंग देम ऑन इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे थ्रू योर लाइफ टाइम अपडेट्स आप लोगों के लाइफ टाइम अपडेट्स के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा ओके थैंक यू गाइज टेक केयर डू डू दीज आर टी पीस ओके बिफोर योर एग्जाम्स आप लोग के एग्जाम से एक महीना पहले ही आर टी पी टच किया करो आई सी एम आई रिलीज देम फर्स्ट ओके देर इज ऑलवेज अ हड़बड़ी की रिलीज कर दिया तो पढ़ने का है वगैरह वट इज द यूज ऑफ डूइंग द आरटीपीज मैंने पोर्शन नॉट कंप्लीटेड ओके सो इनश्योर वन थिंग दैट यू डू ऑल योर आर टी पी टू वर्स द लास्ट वन मंथ सो दे फोर आप लोग को भी याद रहेंगी ये सब चीजें एंड बाई दैट टाइम यू नो द इंटायर पोर्शन देर फोर इट इज ईजी टू क्रॉस रिलेट ऑल्सो ठीक है I'll see you all now for the remaining RTPs through your lifetime updates in few days. Bye.